ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली एक आइडिया डेवलप किया चैप्टर के बारे में, प्रोड्यूसर का मतलब समझा, इक्विलिब्रियम का मतलब समझा, अलग अलग तरीके के प्रॉफिट्स को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। नाउ व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से हम उसे डिटरमाइन करेंगे। इस लेक्चर में हम वो सब चीजें कवर करेंगे जो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जितने भी ग्राफ्स है, जितने भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। बट बेसिक आइडिया इज कि आप जो डेवलप कर पाओ, आप समझ पाओ इस चैप्टर में से कि एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा कैसे। याद करो, हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कब, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंच जाओ। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जितना भी आप रेवेन्यू जेनरेट कर पाए हो उसमें से कॉस्ट आप क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, जो बच गया आपके पास वो आपका प्रॉफिट है। नाउ इस प्रॉफिट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचना। पर आप ये मैक्सिमाइजेशन करोगे कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि प्रॉफिट की हद पे पहुंच चुका है, अब प्रॉफिट इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, या फिर अभी मेरा प्रॉफिट कम है, इसमें पोटेंशियल है और राइज करने की, आप ये चीजें डिसाइड करोगे कैसे। उसके लिए हमारी बुक हमें क्या करेगी, कुछ कंडीशंस दे देगी कि एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तभी पहुंचेगा जब ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। क्या क्या कंडीशन दे दी, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, एम सी शुड बी राइजिंग व्हेन एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ए आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वी सी। क्या मतलब है इन सब बातों का, समझने की कोशिश करते हैं। देखो देखो क्या है हमारे पास, एम आर और एम सी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ या ना, मार्जिनल शब्द का मतलब क्या समझ के आयो, बार 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 रेपिटेटिवली हर चैप्टर दर चैप्टर में। मार्जिनल का मतलब होता है जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हो तो आपकी वैल्यू में चेंज कितना आया। अगर एक यूनिट बेच के आप 100 रुपए कमा रहे थे, दो बेच के आप 200 रुपए कमा रहे हो, तो आपके कमाने में चेंज कितना है, 100 रुपए का चेंज आया ना, ये आपका क्या बन जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। जब आप एक यूनिट बना रहे थे 80 रुपए का खर्चा हो रहा था, जब दो यूनिट बना रहे हो 160 रुपए का खर्चा हो रहा है, चेंज कितना है, 80 रुपए का चेंज आया, ये आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ या ना, इतनी बात हमें क्लियर है। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हर एडिशनल यूनिट पे होने वाला खर्चा और एडिशनल यूनिट में होने वाली कमाई दोनों जब तक बराबर नहीं होते तब तक प्रोडक्शन करते जाओ, तब तक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचे। सिर्फ हमें यही कंडीशन नहीं देखना है कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो, साथ में क्या देखना है कि एम सी क्या कर रहा हो, राइज कर रहा हो। देखो ये बात क्यों कही गई, इसके लिए अपने को ग्राफ पे जाना पड़ेगा, समझो इस बात को। एम सी का कर्व कैसा बनता था, इस तरीके से बनता था, यानी कि MC, अगर मैं देखो ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूं यहां पे, मान लेते हैं ये 12 है, तो MC की वैल्यू कितनी हुई 12, MC की वैल्यू कितनी हुई 12। एंड मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि MR इज इक्वल्स टू 12, अब आपका कॉस्ट कर्व इस शेप में क्यों बनता है, MC का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसीलिए बार बार कह रही हूं कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाले लेक्चर्स लगा के इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि उन दोनों चैप्टर को साथ में जोड़कर ही हम इक्विलिब्रियम तक पहुंच पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट कर्व हमारा डिमिनिश कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, राइज, यानी कि कॉस्ट पहले पहले घटती जा रही है, फिर क्या कर रही है, राइज। मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरे एमसी कर्व पे दो जगह पे पॉइंट क्या आ रहा है, जहां पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट 12 है। अब मेरा क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसे मानू या इसे मानू, कैसे डिसाइड करूं मैं कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है या ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। आपकी बुक आपको समझाएगी कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि MC शुड बी राइजिंग, यहाँ पे MC क्या कर रही है, फॉल कर रही है, यहाँ पे MC क्या कर रही है, राइज कर रही है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब सवाल उठता है क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर MC डिक्लाइन कर रही है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट अभी गिर रही है। अगर कॉस्ट गिर रही है तो कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का फर्क इंक्रीज कर रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू अगर 10 है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू अपना 12 है, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या 12, इस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं।
इसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट मान लो 10 हो गया, तो अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, मार्जिनल कॉस्ट 10 है, मार्जिनल रेवेन्यू 12 है, तो 2 रुपए का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और गिरेगा, मान लो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, 8 हो गई, तो हमारा 4 रुपए का प्रॉफिट आने लग गया। यानी कि आप इस पॉइंट पर नहीं रुक सकते हो, क्योंकि यहां पर अभी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हुआ है। याद करो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस पॉइंट के बाद 12 के बाद अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 14 ही होगा ना, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा ही कॉस्ट पड़ रही है ना, उधर तो अपने को प्रोडक्शन नहीं करना है ना। हाँ या ना, इसीलिए हमारी बुक क्या बोल रही है, हमें हमारी बुक बोल रही है कि एमसी इज इक्वल्स टू एमआर तब उठाना है जब एमसी क्या कर रहा हो, राइज कर रहा हो। किसको बात समझ में आ रही है, ग्राफ देखेंगे और क्लियर होगा। देखो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, एआर इज इक्वल्स टू एवीसी। इसकी देखो सिंपल सा बात है, इसका आपके सिलेबस में कोई ग्राफ ग्राफ भी नहीं है, ये आपको सिंपल सी इतनी बात बता रहे कि जो भी आपका पर यूनिट रेवेन्यू आ रहा है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए। मान लो कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो 10 रुपए का पर यूनिट, एक यूनिट का रेवेन्यू है 10 रुपए, एंड उस पे वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस टाइप के खर्चे हैं, अगर वही खर्चे आप पूरे नहीं कर पाओगे तो आप बिजनेस रन नहीं करोगे। यानी कि ठीक है, आप फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आपने क्या किया, बिजनेस में डाला है, लेकिन अगर आपका डेली मंथली एक्सपेंडिचर, ईयरली एक्सपेंडिचर भी आपका बिजनेस नहीं निकाल पाएगा, तो फिर आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करोगे। एक प्रोड्यूसर की बिल्कुल आम सोच होगी कि एक से जितना भी, एक एक यूनिट से मुझे जितना भी रेवेन्यू मिल रहा है वो कम से कम उस यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर, यानी कि उस यूनिट पर जो लेबर लगी है, इलेक्ट्रिसिटी लगी, ऑफिस एक्सपेंस लगे, वो सारे खर्चे मेरे जो प्रोडक्ट है वो निकाल दे। सो दिस इज द लास्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन कंडीशंस के बारे में और बात करेंगे, समझेंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के तरीके से। देखो यहां पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्वांटिटीज दी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है एंड मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। अब आप क्या देख रहे हो, मार्जिनल रेवेन्यू मेरा क्या है, चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट है। नोट करते जाओ यहां पे चीजें, एम आर क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी कि अगर हम रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ के आए तो हमें पता है एम आर कांस्टेंट कब होता है, जब हमारा एम आर इज इक्वल्स टू ए आर होता है एंड हम परफेक्ट कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं। सिर्फ इसी टाइप के मार्केट में हमारा एम आर एंड ए आर क्या होगा, इक्वल होगा एंड कॉन्स्टेंट होगा। इसके लिए आप रेवेन्यू वाला वीडियो देखेंगे सारे एक्सप्लेनेशन के लिए, ओके? तो हम देख रहे एम आर में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, मार्जिनल रेवेन्यू तो उतने का उतना ही है। अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, पहले कॉस्ट क्या कर रही है, घट रही है, घट रही है, इसके बाद कॉस्ट क्या होने लगी, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब हमारे पास एम आर और एम सी के इक्वल होने का कंडीशन है दो जगह पे, वो यहां पर एंड यहां पर। कौन सा पिकअप करेंगे, ये वाला, क्यों, हम इक्विलिब्रियम पे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके। रीजन क्या है इसका, क्योंकि अभी मार्जिनल कॉस्ट डिमिनिश कर रही है तो प्रॉफिट आ रहा है। अगर इस पॉइंट पर आपका प्रॉफिट बस हो गया, उसके बाद आप प्रोडक्शन रोक दोगे, क्योंकि उसके बाद आपको लॉस होने लग जाएगा। उससे पहले पहले जितना भी प्रॉफिट आपको आ रहा है आप उसे टैप करोगे, आपका प्रॉफिट अभी मैक्सिमाइज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है प्रॉफिट के अंदर। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही, देखो अगर हम यहां से कैलकुलेट भी करना चाहें, यहां पे हमारा कॉस्ट 15 एंड रेवेन्यू क्या है 12 है, यानी कि हमें यहां पर तो क्या हो रहा है, देखो लॉस हो रहा है, कॉस्ट हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, कॉस्ट हम लोग ज्यादा दे रहे हैं एंड रेवेन्यू कम है, यहां पर हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। यहां पर देखिए 2 का प्रॉफिट, यहां पर देखिए 3 का प्रॉफिट, यहां पर कितना आ गया हमारे पास 5 का, अगेन 4 का, अगेन 3 का, अगेन 2 का एंड अगेन कोई प्रॉफिट नहीं। इसके आगे अगर मैं जाऊंगी तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा,
नेगेटिव जाएगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करूँ. जो हमारा इनिशियल लॉस है वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला लॉस है, तो वो मैं बियर करूंगी, प्रोडक्शन कंटिन्यू करूंगी, एंड इस पॉइंट के बाद मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. देखो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है प्रॉफिट के अंदर. इस पॉइंट के बाद प्रॉफिट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आके प्रोडक्शन रोक दूंगी. एक प्रोड्यूसर के लिए ये मैक्स प्रॉफिट का पॉइंट होगा, एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए उसके इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा. हाँ या ना, ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ आपका क्या बोल रहा है? देखो सेम बातें बोलेगा जो हम ग्राफ अभी समझ के आए ना, छोटा सा यहाँ पे बना के हमने समझा, वही उसी तरीके से चीजों को समझाया जाएगा. यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे, देखो कि हमारा एमसी कर्व कैसा बन रहा है, ऐसा यू शेप्ड कर्व. क्यों है ये यू शेप? आपका कॉस्ट क्या कर रहा है, इनिशियली डिक्लाइन कर रहा है पर ग्रेजुअली वो राइज करने लग जाता है. रीजन क्या है इसका? रीजन है इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ओके, देन हम बात करें ए आर एंड एम आर इक्वल है, क्योंकि हमने समझा ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला कॉन्स्टेंट ए आर एंड एम आर वाला ग्राफ है. ये अजम्पशन है इस मॉडल का, आप ये समझ सकते हो. यहां पर आपको किसी और मार्केट के बारे में या जब ए आर कॉन्स्टेंट नहीं है उन सिचुएशन के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको सिंपली बोला है ए आर एंड एम आर क्या है, कॉन्स्टेंट है. मान लो कि रेवेन्यू क्या है, फिक्स्ड है, प्राइस क्या है चीजों का, फिक्स्ड है. हर यूनिट से आपको अलग पैसा नहीं मिल रहा, अलग रेवेन्यू नहीं मिल रहा. नाउ इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास ऑप्शन है, तो इसे मान लो या फिर इसे मान लो. इसे अगर हम मान लेते तो क्या होगा, जो यहां पर प्रॉफिट आ सकता है वो प्रॉफिट हम टैप नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हमारा कॉस्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट के बाद हम रुक जाएंगे. उसके आगे जाएंगे तो क्योंकि हम लॉस मेक करना शुरू कर देंगे, हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ने लग जाएगी हमारे रेवेन्यू से. एज सिंपल एज दैट. हाँ या ना, ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया. यहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, यहाँ पे आउटपुट है, एंड क्यू टू हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है. हाँ या ना, इतनी बात में हम सब ओके हैं. अच्छा, लास्ट टॉपिक आपका बुक का, आपको क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो अगर आप एक कम यूनिट प्रोड्यूस करो या एक ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करो तो क्या होगा, देख लेते हैं. आप समझ लो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 10 की जगह अगर 9 करने लग जाओ. हाँ या ना, अगर आप क्या करने लग जाओ, 9, तो आपको कॉस्ट क्या पड़ रही है, अभी कम पड़ रही है. हम कह सकते हैं ये आपका ए आर है, ये आपकी एम सी है, तो हम बोलेंगे एम सी इज लेस देन एम आर. हाँ या ना, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा है एंड कॉस्ट कम है. आप कहोगे दिस इज अ रियली गुड सिचुएशन, रेवेन्यू ज्यादा एंड कॉस्ट कम है. पर अभी अभी हमारे पास पोटेंशियल है हमारे प्रॉफिट को और इंक्रीज करने की. हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो और इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि अभी हम अपने मैक्स पॉइंट को रीच नहीं किए हैं. इसलिए आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कॉन्टिन्यू करोगे. यहाँ पर आप क्या कहोगे कि मैं अभी अपने मैक्स प्रॉफिट को रीच नहीं किया हूं. अगर हम बात करें कि आप एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाओ, ये 10 था, ये 11 है, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो ए आर है, या सॉरी एम आर ले लेते हैं, एम आर है वो लेस देन है एम सी, यानी कि आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, आप रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर पा रहे, एंड इस सिचुएशन में आप प्रोडक्शन नहीं करोगे. बोलो इसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना, ये था कुल मिला के प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का टॉपिक, जो कि मेनली फोकस क्या करेगा कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले डिमिनिश कर रहा है एंड देन राइज कर रहा है, एंड आपको तब रुकना है जब आपका खर्चा और कमाई हर एडिशनल यूनिट से जो भी आपको आ रही है वो एक दूसरे से बराबर हो जाए. उस केस में जब हमारी कॉस्ट क्या कर रही है, राइज कर रही है, एंड हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको बियर कर पा रहा है. किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना, ये था हमारा टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का. ये चैप्टर डन हो गया है. अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग.